शहर के व्यापारियों ने अलवर न्यूज की टीम के सदस्य रिपोर्टर त्रिलोक शर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश शर्मा के साथ लॉकडाउन से हो रही परेशानी को साझा किया है। व्यापारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आगामी 3 मई तक अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी बाजार बंद करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते व्यापारियों को परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। चूड़ी मार्केट के व्यापारियों ने बताया कि पूर्व में लगे लंबे समय तक के लॉकडाउन ने व्यापारियों की आर्थिक कमर तोड़ दी थी। फिर किसी तरह व्यापारी पटरी पर आए, लेकिन अब फिर सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। वर्तमान में सावे का सीजन होने के कारण लाखों का दुकानों और गोदामों में स्टॉक रखा है, लेकिन बेचे किसे? स्टॉक के नहीं बिकने से व्यापारी कर्ज में डूब जाएगा। सरकार को तमाम व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए दुकान खोलने की 4-5 घंटे की छूट अवश्य देनी चाहिए। सर, व्यापारी इस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लास्ट ईयर जो लॉकडाउन लगाया था उसको बड़ी मुश्किल से भर के हम वापसी उसी स्थिति में धीरे धीरे आने लगे। अब हमने जो पैसा धीरे धीरे बाजार से पैसा उठाया है मार्केट में, कि सावे की एक मई का सावा था जो अच्छा सावा था, जिसमें हम पूरी उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस सावे में हम काम कर सकते हैं सर, तो सर उसको हमें नाश्ट कर दिया है। अब वो सर गवर्नमेंट ने हमको कुछ पल का टाइम ही दिया कि दोपहर में 4-5 घंटे का टाइम भी दे दे मॉर्निंग के, तो जो हम माल जो हमारा स्टॉक है वो हम निकाल सकें। सर लेबरों की तंग है, वो हमारी जेब से टक रही है पूरी। दुकानों किराया है वो हम जेब से दे रहे हैं। गवर्नमेंट सर का कोई साथ नहीं है सर इसके इस टाइम। और बाकी जितने बाजार खुल रहे हैं उनको भी कोई टाइम ना देकर आधा टाइम उनको देकर आधा टाइम हमें दे दिया जाता, तो हम उसमें थोड़ा उभर के आ जाते हैं। सर प्रशासन ये मांगे कि हमें 5 घंटे कम से कम मोहलत टाइम दिया जाए, चाहे वो सुबह 7 से 10 के 11 का जो भी दिया जाए या शाम का दिया जाए। सर 5 घंटे का कम से कम टाइम होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम व्यापारी को घर में सबों का ही स्कूलों के फीस, बच्चों की कोई माफ़ नहीं की गई है। लास्ट ईयर भी पूरी फीस दी गई है। सर दोबारा ऐसे लॉकडाउन लगे सर हम कहाँ से कमाएंगे? बहुत ज़्यादा नाजुक है सर इस टाइम। मैं साड़ी का व्यापारी हूँ, साड़ी का मेरा काम है। मैंने स्टॉक अपना कम से कम नहीं तो इस सीजन के अंदर 10 लाख का कम से कम स्टॉक किया था साड़ियों के सीजन की वजह से। उस वजह से लॉकडाउन अचानक लगा, अचानक लगने से मुझे बहुत परेशानी हुई। मेरा गोदाम का किराया है, जैसे तनख्वाह है कर्मचारी की वो भी नहीं निकल पाएगी, और वो तनख्वाह मांगेगा आतरू रहेगा, और मैं किस तरह से उनकी तनख्वाह निकालूंगा, किस तरह से अपना परिवार का खर्चा चल। छूट भी दी थी कि पास नहीं, ऐसा कोई पास उसकी छूट कोई नहीं दी। कर उन्होंने खाली ये निकाला था कि भाई जिस जिसका स्टॉक है कस्टमर को दे रखा है, बेच रखा है, वो माल आप निकाल के उस दे सकते हो। बाकी वैसे नहीं है कि आप दुकान खोल के बैठ जाओ, अंदर ग्राहक को बैठा के माल दे दो, ऐसा कोई नियम नहीं है। मेरी मांग तो प्रशासन से, मुख्यमंत्री महोदय से, कलेक्टर महोदय से यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि कम से कम व्यापारी भाइयों को 70% जब बाजार खोल रखा है, 30% के लिए उनको 12 से 4 का टाइम या 12 से 3 का टाइम दे दी जाए, जिससे कि सब व्यापारी अपना स्टॉक निकाल दे और अपना घर बार का खर्चा, आदमी का खर्चा, बिजली के बिल का है और फीस है स्कूल की, सब बच्चों की, उनकी सबकी कम से कम वो भरपाई कर सके।